साथियों, आज हमारे बीच में राहुल जी हैं। हमारे पास करीब 25 मिनट का समय है। क्षमा कीजिए, माइक नहीं है क्योंकि वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है। तो मैं राहुल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोले। राहुल जी, आपको संक्षिप्त में पहले कुछ कहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, और उसके बाद अपना सवाल आप संक्षिप्त में एक पत्रकार एक सवाल के आधार पर आप कीजिए। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका खाना पीना सब ठीक चल रहा है? हाँ, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है, और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे: युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में 1.5 महीने में रखेगी। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ जी अर्चना। नहीं देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहाँ तक मंदिर में जाने से रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पदयात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फ़ायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय मैसेज है, वो तो जा रहा है, गाँव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पदयात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द वे इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, इवन द बीजेपी फेलोज हु आर प्रोटेस्टिंग आर वेविंग एट मी। So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand, they're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest police, it is. I'm blowing kisses to them, they're waving at me, and Mr. Himanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They're lining up their BJP workers to shout Naraz. We are perfectly happy for them to line up there. They can like line up there, right? Ajit. Sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling,
No youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. Raji. थोड़ा जोर से बोलिए। यात्रा कई राज्यों से होकर गुजर चुका है, टेक्नोलॉजी क्या है, डायरेक्ट अपने करप्शन को लेके मीडिया इसलिए असम में इतना आपत्ति। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में, पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रेंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, आपने देखा, पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मज़ा आ रहा है, हमारे फायदा है। हरित्वी हमने इनवाइट किया है, ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेस ने इनवाइट किया है, एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए, और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाज़ा खुला है। जैनेंद्र राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहाँ पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। हाँ मोहित। सर मोहित दुबे हूँ न्यूज़ से, तो मेरा सवाल ये है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की कवर भी किया, इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अटैक आपके ऊपर हो रहा है, और जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो अटैक गांधी परिवार के ऊपर हो रहा है, तो आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स आपके सामने आ जाते हैं अटैक करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी चिंतित नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूँ, कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता, मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और पूरी दुनिया दूसरे साइड खड़े हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है, दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। अफरीदा, व्हाट इज माय, No, as I said to you, we are of course not going to release our blueprint here,
but we have five concepts of justice, and each one of those concepts of justice will have a proposal, an idea, a program behind them, and we will be putting these across to the people of India over the next few months. I think one of the things that is very important, as I've said again and again, is the idea that power needs to be shared equitably. तो जैसे मैंने ओबीसी सेंसस की बात की है कि देश में 50% ओबीसी हैं, 15% दलित हैं, तकरीबन 12% आदिवासी हैं, बाकी लोग हैं, इनको सिस्टम में भागीदारी नहीं मिलती है। मैंने उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं, तो भागीदारी बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए और उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। महिलाओं, महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय होता है, जो अनफेयरनेस है, चाहे वो वर्कप्लेस में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, उसके खिलाफ हमारे पास आइडियाज हैं। युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है उसको हल करने के लिए हमारे आइडियाज हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में हम आपको अगले महीने में कांग्रेस पार्टी आपको बताएगी। मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है कि खड़ा हुआ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। अमृता, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, where is the violence? Yeah, okay, I mean I wouldn't call that violence. Yes, he got a little hurt, that's okay, but we're tough people. He got it on his own. We're tough people, we can take all this. Well, as you said, intimidation, the idea that if you have money and you have power, you can do anything you want and you can buy anything you want, the idea that the culture of Assam, the language of Assam, the tradition of Assam is secondary and it should bow down in front of the culture, the tradition of Nagpur. This is what we are seeing here. And this is being felt by the people of Assam. They're telling us that. You know, it seems to you that you have a chief minister who is running Assam. Chief minister can't run Assam. It's being run from Delhi. Clearly. The chief minister, if he says one thing, right, that Delhi doesn't like, we know what will happen to him. He's got a record. He's got cases against him. So this is not the voice of the Assamese people. Even in the BJP, they'll tell you that the chief minister has been placed on top of us. You can ask the average BJP karyakarta. He didn't want the chief minister. In fact, he wanted someone else. Rahulji, this young lady has been with us from Manipur. Please have the last question from her. नहीं, अभी मैंने जो कहा पिछले मीटिंग में, हमारा एक शेड्यूल है, हमारी एक रूट है, उस रूट पे हम चल रहे हैं। सॉरी राहुल जी, लास्ट क्वेश्चन। इज हैविंग इम्पैक्ट, इट इज
That is what people are telling me on the street, that it is having impact. I am disappointed about one thing. I must tell you, I am disappointed about one thing. Sorry, Bolo. You become Prime Minister if the India bloc is voted to power in the next Indian... My brother, I already answered that question. I answered that question. You come from this side. I will answer you from this side. It is India that is fighting the RSS and the Prime Minister. What happens after the election, India will discuss and decide. We are not going to take any decisions on that. Okay. Thank you very much. Nice try. Thank you. Thank you. Thanks, Rahul ji.